दोस्तों सत श्रीकाल, गिल्ज मेंटोर दे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ते थोड़ा सब दा वेलकम है और ये उम्मीद करते हैं कि तुसी जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। मार्कफेड सीनियर असिस्टेंट दा पेपर 25 अगस्त नू कंडक्ट किया गया चंडीगढ़ विखे वेरियस इंस्टीट्यूट, लेकिन एक अफवाह है या हकीकत है इस बारे गिल्ज मेंटोर पुष्टि नहीं करता। एक ऑडियो अते वीडियो दोनों वायरल ने, थोड़े सामने मैं शेयर करांगा, दिखावांगा कि अगर ये इदां दी घटना हुई है तो बहुत ही माड़ी और घिनौनी हरकत है, क्योंकि कंपीटिशन एग्जाम दे विच कंपीटीटर हुंदा है ना, दर्द उस तो कोई जान सके ना तो वाकई पता लगता है, क्योंकि हर किसी बच्चे ते बहुत प्रेशर हुंदा है, क्योंकि हर पेपर देने का एक मूड हुंदा है। क्योंकि अगर तुसी अज प्रिपरेशन तुसी पंजाब गवर्नमेंट कर रहे हो और सडनली अगर पंजाब गवर्नमेंट ने कोई भी इदां दा स्टैप ले लिया भी हाँ जी 2 साल पोस्ट नहीं आ रही, तो तुसी अगर पिछे 3 साल की तैयारी की है तुहाडी तराशाही तैयारी हो जाएगी। जे तुसी पंजाब गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हो और CGL पेपर देने जा रहे हो, कदे क्वालीफाई नहीं होएगा, क्योंकि साडा पेपर देने तो पहले ही माइंडसैट चेंज हो जाता है। एक तो वैसी पोस्टा नहीं आ रही और जिहड़ियां पोस्टा रिलीज हुई अगर उन्होंने इदा हो रहा है तो बहुत ही गलत गल है। मैं तुहानू दिखाना चाहुंदा वां, जिन्हां ने नहीं देखिया तुसी सुनो पहले ऑडियो फिर दिखाउने वीडियो। ये दसा जा रहा है गौरमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सैक्टर 42 चंडीगढ़। देखो इत्थे की है घटना, तुहानू मैं सांझी कर रहा वां तुहाडे नाल, देखो सुनो। ਕੁਛ ਬੁੱਟ ਕਰਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਸ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੇਨ ਪੁੱਛਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਧਰ ਕਰੋ ਸਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਨੋ ਨੋ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ 320 ਰੂਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸੀ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਗਸ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਫੋਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ? ਇਹ 230 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਪੇਪਰ ਸਰ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਸਰ ਹਾਦਸਾ ਬਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਅਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ। ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ सर, मैंने अपनी पूरी हैंड रिटन रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दी जी। जी उसमें मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। मैम जो वो सरदार आए थे उन्होंने जो आंसर शीट बनाई हुई थी वो आपने मैंने पकड़ी, आपने मेरे हाथ से ली? मैंने आपके हाथ से नहीं ली, उन्होंने ही आपके हाथ से ली। हाँ आपने देखी ना वो आंसर शीट बनी हुई? मैंने देखी है उसको। हाँ ठीक है, मैंने सब कुछ रिपोर्ट में डबल आंसर शीट पड़ी थी। बिल्कुल, उन्होंने फोटो भी क्लिक की है आंसर बुकलेट की? मैंने क्लिक करते हुए देखा, लेकिन आपने मुझे जरूर बताया यू कैंडिडेट्स ब्रिंग इट माय नॉलेज कि दैट ही क्लिक द पिक्चर। वो पर्सन आंसर शीट बना के लेके आया, व्हाइट पेपर पे लिखे हुए थे आंसर, सभी लिखे हुए थे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। नहीं नहीं थोड़े पीछे, थोड़े पीछे सर। मेरी मैं को नकल कराई जा रही? नहीं नकल नहीं कराई सर, आज जो पेपर नहीं सर, आई एम नॉट सर, मार्केट का पेपर था आज 42 सेक्टर में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, तो मेरे रूम में 320 रूम में 3rd फ्लोर में जो ये केस हुआ है, मैम इन्विजिलेटर थी, उसके सामने एक आदमी आया है सरदार टर्बन बांधी हुई थी उसने, उसने फोटो क्लिक की है, क्वेश्चन बुकलेट की 20 सेट था, उसके बाद वो आंसर शीट बना के लेके आया व्हाइट, मैंने खुद पकड़ी है और मैम इस बात की एविडेंस है। इन्विजिलेटर जो थी हम इन्विजिलेटर, ये कितने आज मेरे रूम में हुआ है? इन्विजिलेटर से रिपोर्ट लेकर हम इंस्टीट्यूट को देंगे, जिस एजेंसी के लिए एग्जाम हो रहा है उनको। जो नहीं, जो जो मैम इंचार्ज थे उन्होंने पास। दोस्तों यह घटनाक्रम है,
मैं माफ़ी चाहवागा कि थोनू ऑडियो प्रोपर तरीके नाल सुनाई नहीं देगा, इस करके मैं तुहानू नहीं दिखाया वा। ऑडियो दे विच एक स्टूडेंट है, वह जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पेपर लिया वा उन्हां नाल गल कर रहे हैं और फाइनली वह डिनाई कर रहे हैं। मैं थोनू आही कह रहा वा कि असी पुष्टि नहीं करते, असी इदां दा कोई होहला नहीं मचा रहे, किसी नूं असी आ नहीं कर रहे कि तुसी तैयारी कर रहे हो, पेपर लीक हो रहे हैं। कि यह अगर कोई हकीकत है तो तुसी जरूर शेयर करो, क्योंकि इदां दी हरकत नहीं होनी चाहिए, सचेत होना चाहिए ताकि प्रशासन पता लगे, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन नूं पता लगे। मार्कफेड ने विच चाहे पोस्टां घट सीगियां पर रियली ही डिजर्विंग कैंडीडेट पेपर क्वालीफाई करने चाहिए ने, जिन्हां ने अच्छी मेहनत की है। अगर कोई सिफारशी है तो दैट्स उन्हां दी इनक्वायरी होनी जरूर बनती है। बाकी सारी घटनाक्रम मीडिया